बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, होप यू ऑल आर फाइन। मे अल्लाह गिव यू गुड हेल्थ। वेलकम टू केमोपीडिया एंड आई एम विद यू प्रोफेसर मोहम्मद अवैस। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट अ न्यू टॉपिक दैट इज वेसेपर थ्योरी। वेसेपर थ्योरी एब्रिवेटेड एज वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। अब इस थ्योरी को डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं। केमिकल बॉन्डिंग के बाद में ये जो थ्योरीज का कंसेप्ट शुरू हुआ कि किस तरह से मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री को जानना है, उसके एंगल्स को जानना है, उसके बारे में ये थ्योरीज जो हैं वो वन बाय वन डिस्कस की गई। तो उसमें जो वेस्पर थ्योरी है उसमें सैडवर्क और पाउल ये दो साइंटिस्ट थे 1940 में। इन्होंने पॉइंट आउट किया कि जो मॉलिक्यूल है उसकी शेप जो है वो डिस्कस या सेटिस्फाइड नहीं हो पा रही। तो इसको लेते हुए इन दोनों ने जब इसको पॉइंट आउट किया तो इसके ऊपर वर्किंग शुरू हुई। तो नायलॉन एंड गिलिप्सी ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने फिर जो है ये वेस्पर थ्योरी का कंसेप्ट दिया। और इस थ्योरी के मुताबिक नेक्स्ट जो सारी की सारी इसके बारे में डिटेल्स दी गई जो नायलॉन और गिलिप्सी की वर्किंग के ऊपर डिपेंड हैं वो हम आज सीखेंगे और इसके बारे में हम जानेंगे। तो गाइस, जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन है बेसिकली ये होती क्या है, किसी भी एटम में उसके जो वैलेंस शेल होगा उसमें कोई पॉलीवेलेंट एटम है और उसके वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो बॉन्ड बनेंगे, अब बॉन्ड वो लोन पेयर है या बॉन्ड पेयर है, इन दोनों का कंसेप्ट जो है इस थ्योरी में मौजूद है। अब वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी बेस के ऊपर कोई मॉलिक्यूल बनेगा तो उस मॉलिक्यूल की शेप क्या होगी, बेसिकली उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो इसका जो बेसिक अजम्पशन है वेस्पर थ्योरी का उसको पहले हम थोड़ा सा ब्रीफली डिस्कस करते हैं कि क्या कह रहा है इसका बेसिक अजम्पशन। तो गाइस, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर, अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर जो होंगे उसमें इलेक्ट्रॉन पेयर्स में लोन पेयर भी शामिल होते हैं और बॉन्ड पेयर भी शामिल, दोनों पार्टिसिपेट करते हैं। लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर्स आर अरेंज अराउंड द सेंट्रल एटम। कोई भी एटम है जिसके सात एटम दूसरे अटैच हुए हैं वो पॉलीवेलेंट सेंट्रल एटम होगा एट मैक्सिमम डिस्टेंस अपार्ट टू कीप रिपल्शन एट अ मिनिमम। यानी कि जो सेंट्रल एटम है उसके साथ अटैच होने वाले एटम्स खुद को इस तरह से अरेंज करेंगे कि वो एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे होंगे ताकि इनके दरमियान जो रिपल्शन है वो मिनिमम रह जाए। अब इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ये हम थोड़ा सा देखते हैं, इसकी एक एग्जांपल के साथ इसको थोड़ा सा देखते हैं। जैसा कि BF3 हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, अब BF3 में सेंट्रल एटम हमारे पास जो है वो है बोरोन। बोरोन सेंट्रल एटम है और बोरोन ने जो तीन बॉन्ड बनाए हुए हैं फ्लोरीन के साथ, बोरोन एक पॉलीवेलेंट एटम है, इसकी वैलेंसी जो है वो 3 है क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में अगर हम बात करें 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है और 2p में 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो इसकी जो है अगर देखा जाए जब ये खुद को इस तरह से हाइब्रिडाइज कर लेगा तो इलेक्ट्रॉन जो है sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी, या ये हमने हाइब्रिडाइजेशन में मुकम्मल इसको देखा था। अब ये पार्शली फिल्ड 3 इलेक्ट्रॉन है हमारे पास और पार्शली फिल्ड जो है 3 ऑर्बिटल्स हैं हमारे पास, उनमें एक एक इलेक्ट्रॉन है। अब ये 3 बॉन्ड बनेंगे, अब वो 3 बॉन्ड जो बोरोन ने बनाए हुए हैं तीनों फ्लोरीन के साथ बनाए हुए हैं। अब क्या होगा, ये तीनों एटम फ्लोरीन के एटम खुद को इस तरह से अरेंज करेंगे कि ये एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे हों और इनके दरमियान जो रिपल्शन हो जाए वो मिनिमम रह जाए। अब वो कैसे पॉसिबल है, वो सिर्फ इस तरह पॉसिबल है कि ये तीनों जो हैं अपने आप को इस तरह से अरेंज करें कि इनके दरमियान जो एंगल है वो 120 का हो जाए। अब देखें गाइस, इस फ्लोरीन का इस फ्लोरीन के साथ जो एंगल है वो भी 120 है, इसका इसके साथ भी 120 है, इसका इसके साथ भी 120 है। यानी कि 120 एक वो वाला एंगल है जिसके ऊपर ये जो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कर रहा है इसके सेंट्रल एटम के अराउंड जो एटम हैं उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो मैक्सिमम है, मैक्सिमम डिस्टेंस है, और इनके दरमियान अब जो रिपल्शन है वो मिनिमम रह गई है। वो किस एंगल पे रह गई है, वो 120 एंगल है। तो गाइस,
बेसिक अजम्पशन के बाद हम इसके जो पासुलेट हैं वेस्पर थ्योरी के, उन पासुलेट के बारे में वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि ये पासुलेट क्या कहते हैं। तो वेस्पर थ्योरी का जो पहला पासुलेट है वो ये है कि बॉन्ड पेयर्स एज वेल एज लोन पेयर पार्टिसिपेट टू डिटरमिन द ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल की जो ज्योमेट्री है उसको डिटरमाइन करने के लिए बॉन्ड पेयर एज वेल एज बॉन्ड पेयर एज वेल एज लोन पेयर, यानी कि बॉन्ड पेयर और लोन पेयर दोनों पार्टिसिपेट करते हैं किसी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री को डिटरमाइन करने के लिए। जैसा कि गाइस इसकी एग्जांपल भी मैंने लिखी हुई है यहाँ पे, अगर देखा जाए H2O वाटर जो होता है उसकी जो ज्योमेट्री, वाटर का मॉलिक्यूल है उसकी ज्योमेट्री होती है टेट्राहेड्रल। तो यहाँ पे अगर देखो दो बॉन्ड हैं और दो ही लोन पेयर जो ऑक्सीजन के ऊपर मौजूद होते हैं तो इसकी ज्योमेट्री भी टेट्राहेड्रल है। और अगर हम CH4 मीथेन की बात करें तो उसमें चारों के चारों ही हमारे पास जो हैं, देखें चारों के चारों ही बॉन्ड बने हुए हैं और इसकी जो ज्योमेट्री होगी वो भी टेट्राहेड्रल ही होगी। अब इन दोनों केसेस में अगर हम देखें तो वाटर के केस में लोन पेयर भी मौजूद हैं और बॉन्ड पेयर भी मौजूद हैं, यहाँ पे लोन पेयर नहीं है सिर्फ बॉन्ड पेयर्स ही मौजूद हैं। तो क्या हुआ, दोनों की ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है। तो इससे हमें ये साबित होता है कि वेस्पर थ्योरी ठीक कह रही है, अगर दोनों की ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है तो इसमें बॉन्ड पेयर और लोन पेयर दोनों का किरदार मौजूद है। नेक्स्ट पासुलेट जो हमारे पास मौजूद है उसके मुताबिक हम देखते हैं कि वेस्पर थ्योरी का जो सेकंड पासुलेट है क्या कह रहा है। तो गाइस देखें, इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर अरेंज अराउंड सेंट्रल एटम, यानी कि इलेक्ट्रॉन पेयर्स, अब इलेक्ट्रॉन्स पेयर में आपके पास है बॉन्ड पेयर भी आते हैं और लोन पेयर भी आते हैं, आर अरेंज अराउंड सेंट्रल पॉलीवेलेंट एटम। पॉलीवेलेंट एटम ऐसा एटम जिसकी वैलेंसी ज़्यादा हो। अब उसके अराउंड, उसके इर्द गिर्द जो एटम, पॉलीवेलेंट एटम के साथ जो एटम मौजूद होंगे, जो उसके साथ जुड़े हुए होंगे, एटम्स एट मैक्सिमम डिस्टेंस टू अवॉइड रिपल्शन। किसी एटम जिसके साथ दूसरे एटम अटैच हैं और एक मॉलिक्यूल बन गया है, उसमें पॉलीवेलेंट, सेंट्रल पॉलीवेलेंट एटम, बोरोन की ही बात कर लेते हैं, बोरोन की वैलेंसी 3 होती है, पॉलीवेलेंट है, इसके साथ जो तीन एटम्स मौजूद हैं, जो इसके साथ तीन एटम्स जुड़े हुए हैं, वो खुद को इस तरह से अरेंज करेंगे, जैसा कि हम इसके अजम्पशंस में भी हम बात करके आए थे, वो इसको खुद को इस तरह से अरेंज करेंगे कि एक दूसरे से ये मैक्सिमम डिस्टेंस पे रहेंगे ताकि इनके दरमियान जो रिपल्शन है वो मिनिमम हो सके। तो ये एक दूसरे को इस तरह अरेंज करेंगे कि इनके दरमियान रिपल्शन मिनिमम रह जाए। अब यहाँ पे दो एग्जांपल्स मैंने डिस्कस की हुई हैं। पहली एग्जांपल BF3 की है। BF3 के केस में तो तीनों के तीनों ही बॉन्ड पेयर हमारे पास मौजूद हैं और उसका जो एंगल है गाइस वो देखें तो वो 120 है। लेकिन अगर एक लोन पेयर पार्टिसिपेट कर जाता है, मतलब कि अगर एक लोन पेयर शामिल हो जाता है, तो लोन पेयर के शामिल होने से लोन पेयर जो है वो ज़्यादा जगह घेरता है। वो कैसे ज़्यादा जगह घेरता है हम नेक्स्ट पासुलेट में देखते हैं, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो क्या होगा, अब दोनों में हाइब्रिडाइजेशन अगर देखी जाए तो दोनों में सेम हाइब्रिडाइजेशन भी है, बोरोन में भी और टिन में भी, SN में भी। तो क्या होगा, इन दोनों की हाइब्रिडाइजेशन सेम है, लेकिन गाइस यहाँ पे देखें लोन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों ही मौजूद हैं। इसमें एंगल जो है वो 120 है और इसमें जो एंगल है वो लेस देन 120 हो जाएगा। अब यहाँ से हम ये देख रहे हैं कि जो मैक्सिमम डिस्टेंस लोन पेयर ने इन दोनों बॉन्ड्स को आपस में थोड़ा सा श्रिंक कर दिया, आपस में थोड़ा सा जोड़ दिया, जिसकी वजह से लोन पेयर ने ज़्यादा जगह ले लिया। अब कैसे ज़्यादा जगह ले ली है वो हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पासुलेट में। तो हमारे पास जो थर्ड इसका वेस्पर थ्योरी का जो थर्ड पासुलेट है उसके मुताबिक हम देखते हैं लोन पेयर ऑक्यूपाई मोर स्पेस देन बॉन्ड पेयर। लोन पेयर जो हैं वो ज़्यादा स्पेस घेरते हैं किसकी निस्बत, बॉन्ड पेयर की निस्बत। तो इसकी क्या रीज़न है, तो गाइज उसके बारे में हम देखते हैं। लोन पेयर अट्रैक्टेड बाय ओनली वन न्यूक्लियस, जो लोन पेयर होता है वो सिर्फ एक ही न्यूक्लियस
के जो है वो अट्रैक्ट कर रहा होता है। यहाँ पे अगर हम इसकी बात करें, ऑक्सीजन के ऊपर दो लोन पेयर हैं और दो ही उसने बॉन्ड बनाए हुए हैं। अब लोन पेयर जो देखें, ऑक्सीजन, सिर्फ ऑक्सीजन ही लोन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। ऑक्सीजन का जो न्यूक्लियस है, क्योंकि उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो ऑक्सीजन का जो न्यूक्लियस है सिर्फ वही जो लोन पेयर हैं उसको अट्रैक्ट कर रहा होता है। लेकिन अगर हम बात करें हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन ये जो बॉन्ड पेयर बना हुआ है, लोन पेयर को आप छोड़ दें, अब ये जो बॉन्ड बना हुआ है, अब बॉन्ड को दो न्यूक्लियस अपनी तरफ अट्रैक्ट करें। हाइड्रोजन का न्यूक्लियस भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है और ऑक्सीजन का न्यूक्लियस भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। इसका मतलब ये है कि जो हाइड्रोजन है उस पर अट्रैक्शन जो है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो ज़्यादा है, किससे? लोन पेयर से। अब लोन पेयर पे, लोन पेयर पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम है, जिसकी वजह से जो लोन पेयर है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है और उस पर अट्रैक्शन की फोर्स जो है वो कम है, इसलिए लोन पेयर जो है वो ज़्यादा जगह घेर लेता है बॉन्ड पेयर की निस्बत। तो बॉन्ड पेयर अट्रैक्टेड बाय टू न्यूक्लियस, यानी कि जो बॉन्ड पेयर है वो टू न्यूक्लियस से अट्रैक्ट हो रहा होता है, इस वजह से ये जो बॉन्ड पेयर है ये जगह कम लेगा और लोन पेयर जो है वो जगह ज़्यादा लेगा। अब इसके मैग्नीट्यूड ऑफ रिपल्शन की अगर हम बात करें, इसी मॉलिक्यूल को जो हमारे पास मौजूद है वाटर मॉलिक्यूल, इसमें लोन पेयर भी मौजूद हैं और बॉन्ड पेयर भी मौजूद हैं। तो अगर हम देखते हैं रिपल्शन की बात करें, तो चूँकि जो लोन पेयर है वो ज़्यादा रिपल्शन रखता है, इसलिए जो रिपल्शन होगी लोन पेयर की, लोन पेयर के लिए रिपल्शन जो होगी वो सबसे ज़्यादा होगी। अब अगर दूसरे नंबर पे बात करें, तो लोन पेयर की बॉन्ड पेयर के लिए जो रिपल्शन होगी वो इससे कम होगी, और जो बॉन्ड पेयर की रिपल्शन है वो सबसे कम होगी। तो ये इसका मैग्नीट्यूड ऑफ रिपल्शन है कि लोन पेयर को जो रिपेल करेगा वो सबसे ज़्यादा करेगा, लोन पेयर बॉन्ड पेयर को जो रिपेल करेगा वो उससे कम करेगा, और बॉन्ड पेयर को जो रिपेल करेगा वो सबसे कम करेगा। ये इसका मैग्नीट्यूड ऑफ रिपल्शन ऑर्डर है, और ये बहुत अहम है, और बाज़कात ये MCQs जो है मोस्टली पेपर में आ जाता है। तो नेक्स्ट जो लास्ट वन हमारे पास इसका जो वेस्पर थ्योरी का पासुलेट है वो ये है, सिंगल डबल या ट्रिपल बॉन्ड की अगर बात करें हम, किसी मॉलिक्यूल में सिंगल डबल या ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है तो क्या होता है, जो सिंगल बॉन्ड है वो भी दो एटम्स के दरमियान एग्जिस्ट करता है, जो डबल बॉन्ड है वो भी दो एटम के दरमियान एग्जिस्ट करेगा, और जो ट्रिपल बॉन्ड है वो भी दो ही एटम के दरमियान एग्जिस्ट करता है। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की बात करें, तो सिंगल बॉन्ड की निस्बत डबल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है, ट्रिपल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मज़ीद बढ़ जाती है, लेकिन ये दो एटम्स के दरमियान ही एग्जिस्ट करते हैं, इसलिए लीनियर वे में हम इसको लेते हैं। तो अगर ज्योमेट्री की हम बात करें, तो ज्योमेट्री में इनकी पार्टिसिपेशन जो होगी वो सेम होगी अकॉर्डिंग टू द वेस्पर थ्योरी। तो गाइस, ये आज का जो हमारा लेक्चर था वेस्पर थ्योरी के मुताबिक के मुतलक, वो हमने देखा, इसका बेसिक अजम्पशन पे बात की, इसके पासुलेट, इसकी हिस्ट्री के बारे में हमने जाना। अब मज़ीद इसकी जो टाइप्स हैं, जिसमें हमारे पास आ जाती है AB2 टाइप आ जाती है, AB3 टाइप और AB4 टाइप मॉलिक्यूल्स, ये कौन से मॉलिक्यूल हैं और किस तरह से हैं, ये हम डिटेल के साथ नेक्स्ट लेक्चर में हम जानेंगे इंशाल्लाह। तो अगर इसमें कोई क्वेश्चन हो या किसी किस्म की कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आई विल आंसर इंशाल्लाह। तो दुआ में याद रखिएगा। इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़।